पर आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मंच पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जनगण मन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। मंच से सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम में खास तौर से शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुलिया, ये देखिए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर खास तौर से स्वराज एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। धन्यवाद। राज्य गीत प्रस्तुत कर रहे थे पद्मश्री ममता चंद्राकर और उनके साथी। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो कि 27, 28 और 29 दिसंबर को यहां इतने विशाल रूप में आयोजित है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इतना बड़ा लोक नृत्य महोत्सव पहली बार आयोजित हो रहा है, जिसमें 6 देशों के दलों के साथ 25 राज्यों के दल यहां पधारे हैं। और इतने बड़े आयोजन को ये रूप प्रदान करने में जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिला, वे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। इस अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं कि समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सांसद लोकसभा श्री राहुल गांधी जी का माड़िया गौर सिंह से स्वागत करें। ये हमारे छत्तीसगढ़ का पारंपरिक माड़िया गौर सिंह है, जिसे माड़िया ऋषि के समय धारण किया जाता है। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे संयुक्त राष्ट्र की भारत में प्रतिनिधि श्रीमती रोनाल्टा जी का। सम्माननीय अतिथि श्रीमती रोनाल्टा जी, आप स्वागत करेंगे सुश्री मीरा कुमार
माननीय पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का आप स्वागत करेंगे, माननीय सांसद राज्यसभा श्री पी एल पुनिया जी का मेरा नहीं आप स्वागत करेंगे, माननीय अतिथि श्री चंदन यादव जी का आप स्वागत करेंगे, माननीय सांसद राज्यसभा श्री बी के हरिप्रसाद जी का आप स्वागत करेंगे, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कांतिलाल भूरिया जी का आप स्वागत करेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भक्त चरण दास जी का और अब मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल जी माननीय श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ के समस्त सम्माननीय मंत्रीगण एक विशाल माला से माननीय श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ के समस्त सम्माननीय मंत्रीगण शत शत अभिनंदन सम्माननीय अतिथियों का। मंत्रिमंडल के सभी सम्माननीय सदस्यगण, और अब विदेशों से और हमारे देश के प्रांतों से जो कलाकार यहां पधारे हैं उन्हें हम स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले युगांडा के कलाकार, युगांडा युगांडा के कलाकार माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। वाद्य यंत्र का वादन करते हुए ये कलाकार आगे बढ़ रहे हैं। तालियों से अभिनंदन। तत्पश्चात लद्दाख के बोर्ड कलाकार मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। लद्दाख के बोर्ड कलाकार लद्दाख से यहां आए हैं। इनके बाद अरुणाचल की इदू मिस्मी कलाकारों द्वारा स्वागत किया जाएगा। अरुणाचल के इदू मिस्मी कलाकार ये अरुणाचल प्रदेश से यहां आए हैं। तत्पश्चात बेलारूस के कलाकार स्वागत करेंगे। बेलारूस हजारों किलोमीटर दूर की धरती से पधारे हैं कलाकार, 7,000 किलोमीटर दूर से आए हैं। असम के बोडो कलाकार भी मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। जी बेलारूस से कलाकार स्वागत करने आ रहे हैं। तालियों से अभिनंदन। विशेष तरह की शॉल से सम्मान। तत्पश्चात असम के बोडो कलाकार स्वागत करेंगे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। असम के बोडो कलाकार हमारा छत्तीसगढ़ राज्य वन संपदा से परिपूर्ण राज्य है, जहां की धरती में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और अब जड़ी बूटी से बनी माला से स्वागत करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी कलाकार। सबसे पहले वे स्वागत करेंगे माननीय मुख्य अतिथि राहुल गांधी जी का। जड़ी बूटी की माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। वन औषधि युक्त जड़ी बूटी की ये माला है। मुख्य अतिथि राहुल गांधी जी का स्वागत। आप स्वागत करेंगे श्रीमती रेनाल्टा माननीय अतिथि संयुक्त राष्ट्र की भारत में प्रतिनिधि। आप स्वागत करेंगे सुश्री मीरा कुमार जी माननीय पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का। आप स्वागत करेंगे माननीय सांसद राज्यसभा श्री पी एल पुनिया जी का। आप स्वागत करेंगे माननीय अतिथि श्री चंदन यादव जी का। तो इस तरह से हमारे सम्माननीय अतिथियों का स्वागत कर हम सभी अभिभूत हैं। इतने बड़े
आयोजन को इतनी लंबी मेहनत के बाद इस मुकाम पर जिन्होंने पहुंचाया है उन्हें देखकर हम सभी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये केवल शासन का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की धरती के कण कण के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर इतना बड़ा विशाल आयोजन यहाँ हो रहा है। तो अब हम इस आयोजन के मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय श्री भूपेश बघेल जी। जोहार छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ में जिनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग, चिंतन, सोच से यह ऐतिहासिक आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी नेता माननीय श्री राहुल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। मैं इसमें उपस्थित हमारे यूएन के भारत के प्रतिनिधि, लोकसभा के पूर्व स्पीकर आदरणीय मीरा कुमार जी, आदरणीय पीएल पुनिया साहब, आदरणीय बीके हरिप्रसाद साहब, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महन जी, आदरणीय चंदन यादव जी, आदरणीय भक्त चरणदास जी, उपाध्यक्ष विधानसभा के हमारे साथीगण, उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, 25 राज्य से 3 केंद्र शासित राज्य और 6 देश के आए हुए कलाकार का मैं इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ की धरती से उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, कला प्रेमी साथीगण, पत्रकार साथीगण, सभी हमारे अधिकारीगण जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। पूरे हिंदुस्तान में 8% जो आदिवासी भाई बहन रहते हैं उनके तरफ से भी मैं राहुल जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ जहां 32% आदिवासी निवास करते हैं, उनके अपने अपने संस्कृति है, परंपरा है, नृत्य शैली है और उसी प्रकार से पूरे देश में विभिन्न विभागों में हमारे आदिवासी निवास करते हैं, उनकी अपनी कला संस्कृति और फिर दुनिया के 6 देश के भी हमारे कलाकार यहाँ आए हुए हैं। आज रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड जो हमारे विभिन्नता में एकता का, जो पूरे हिंदुस्तान भर के विभिन्न प्रांत के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारी पहचान है, एकता अनेकता में एकता। और ये हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, धरोहर है, उसे बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है ही, उसे संवर्धित करने की भी हमारी जिम्मेदारी है। और इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के अनूठी पहल
हुई है और हमने हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण सभी राज्यों में जाकर वहां के मुख्यमंत्री, वहां के अधिकारियों से निमंत्रण देने गए थे और 1300 कलाकारों ने आने की सहमति दी थी। लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, 1300 कलाकार आने की सहमति दी थी लेकिन आए 1800 कलाकार। पहली बार जब आयोजन करने का हमने सोचा तो थोड़ा हमारे मन में एक शंका थी, सफल होगा नहीं होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, लोगों का समर्थन हम लोगों को मिलता गया और हम लोगों को बहुत रोकने के बाद भी 1800 कलाकार यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उन सब का स्वागत करता हूँ। आदरणीय साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, हमारे नेता राहुल जी हमेशा कहते थे, जब सरकार बनी तो हर वर्ग को लगना चाहिए कि हमारी सरकार है, मेरी सरकार है। और उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी जो पिछले 17 तारीख को एक वर्ष पूरा हुआ और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, जहां हमने किसानों का विश्वास जीता वहीं हमारे आदिवासी वर्ग के विश्वास जीतने में सफल हुए। जहां आपके मार्गदर्शन में लोहानीगुड़ा में जमीन वापसी हमने की, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा, सुपोषण मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना और वहां के लोगों को रोजगार देने के पहल हमने की। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में सर्वत्र शांति है। आपकी यह सरकार हर वर्ग के लोग जो पीड़ित थे, दुखी थे, उनके आंसू पोंछने में हमें सफलता मिली, यह आप ही के मार्गदर्शन से ये संभव हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमारे आदिवासी हर परिस्थिति में प्रकृति के साथ रहते हुए खुशी से झूमते रहते हैं। उनके नृत्य, उनके परंपरा हर समय हमको देखने को मिलती है। हमारे छत्तीसगढ़ में जहां उनके घोटुल देवगुड़ी, उनके पहाड़, उनके नदियां, उनके जंगल से उनका जो आत्मिक लगाव रहा है, हमने देखा पिछले 15 वर्ष में उसे धकेलने की कोशिश की गई, उसे छीनने की कोशिश की गई और आपके नेतृत्व में हमने उसे बसाने का विश्वास ही नहीं दिलाया, बल्कि ये विश्वास भी दिलाया, ये जल, ये जंगल, ये जमीन आपकी है, आप ही इसके मालिक हैं, आप ही उसके संरक्षक हैं और आप ही इसका उपभोग करेंगे। आदरणीय साथियों, मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश भर में जहां आग लगी हुई है, जहां एनआरसी एनपीआर की बात हो रही है, हमारे छत्तीसगढ़ में इसका कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा है कि हम शांति के रास्ते पे चलने वाले हैं, अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले हैं, यहाँ के संत महापुरुषों ऋषि मुनियों के रास्ते पे चलने वाले हैं, गांधी नेहरू सरदार पटेल मौलाना अबुल कलाम इनके मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं। हम संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं और संविधान में जो हमको अधिकार मिला हुआ है वो सारे अधिकार हम अपने जनजाति के लोगों को, यहाँ के पिछड़े जाति के लोगों को, किसानों मजदूर और युवाओं और महिलाओं को लगातार हम लोग दे रहे हैं। और यही कारण है कि हम सब एकजुट हैं और ये संदेश भी देना चाहते हैं कि अनेकता में एकता ही हमारी ताकत है और वो आज इस पंडाल में दिखाई दे रहा है। पूरे देश के लोग यहाँ
उपस्थित इस सभी प्रांत के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे गुजारिश करता हूं, बहुत सारे साहित्यकार आए हैं, बहुत सारे संस्कृति कर्मी लोग भी आए हैं, जो अनेक पूरे देश में जो घूम घूम के जो चीजें देखने को मिलती वो एक ही मंच में एक ही छत के नीचे उन्हें देखने को मिलेगा। तो विभिन्न प्रदेश के हमारे साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, वो भी यहाँ आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। 3 दिन तक यह महोत्सव चलेगा, उसमें आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, यही आप सबसे निवेदन और आग्रह करते हुए आदरणीय राव जी के मार्गदर्शन पे ये छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है और आगे भी हमारी सरकार चलेगी, ताकि पूरे देश में और दुनिया में हम बता सकें कि छत्तीसगढ़ सरकार है जो सबका ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती है, चाहे उसका आर्थिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे उनके परंपरा हो, सबका संरक्षण और संवर्धन करती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत अभिनंदन सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों का। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे और अब इस प्रांगण में शुरू होने जा रही है एक ऐसी शोभा यात्रा जिसमें हम 6 देशों के साथ हमारे देश के 23 राज्यों के नृत्य दलों की प्रस्तुतियों को नजदीक से देखते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं बांग्लादेश के कलाकार। दक्षिण जम्मू द्वीप का एक राज्य है बांग्लादेश। देश के उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देश से मिलती है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल एक बांग्ला भारतीय अंचल बंगाल है, जिसका ऐतिहासिक नाम बंगला बांग्ला। बेलारूस, ये इस महोत्सव में सम्मिलित हो रहा बेलारूस गणराज्य का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य समूह है, जिसने अपने देश के लगभग सभी मुख्य स्थानों के अतिरिक्त कनाडा, ग्रीस, अल्जीरिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, लातविया में
कश्मीर के कलाकार परिलक्षित हो रहे हैं झारखंड के बाद। Come on.
समा गया है, अनेकता में एकता का परिचय देते हुए ये कह रहे हैं सभी कलाकार कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं।